स्वेते वृषे शमारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन महागौरी माता की कथा। नवरात्रि के आठवें दिन माता नव दुर्गा देवी के आठवें स्वरूप माता महागौरी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं, अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता महागौरी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाली हैं। जो भी बुरे कर्म करने वाले हैं उन्हें दंड देते हैं और माता जो भी अच्छे कर्म करने वाले हैं माता उनकी सदैव रक्षा करती है और अंत में मोक्ष को प्रदान कर पूर्व जन्म के भय को भी दूर कर देती है। रात्रि के व्रत में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। खास करके रात्रि के अष्टमी तिथि के दिन इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। रात्रि में व्रत नहीं करते हैं वो अष्टमी तिथि के दिन उपवास रह करके इस दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं। और जो भी रात्रि का व्रत करने वाले हैं वे नौ दिनों तक माता का पूजन करते हैं, हवन आदि का कार्य करते हैं नौमी तिथि के दिन और फिर दसवीं तिथि को जाकर के फिर व्रत का पारण करते हैं। लेकिन जो अष्टमी का केवल व्रत करने वाले हैं वो दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन विशेष प्रकार से संध्या के समय में माता महागौरी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और रात्रि में एक समय फलाहार या मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है और बहुत से जगहों पर नौमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुमारी कन्याओं का आयु 10 वर्ष से नीचे होनी चाहिए और 2 वर्ष से ऊपर। इन कन्याओं का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए, उन्हें चुनरी आदि अर्पित करनी चाहिए, दान दक्षिणा फल आदि उन्हें प्रदान करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जो भी कन्याओं का पूजन करते हैं कन्याकुमारी का उन्हें माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती हैं और माता का स्वरूप मान करके ही कुमारी कन्याओं का अष्टमी तिथि के दिन या नौमी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद केवल जो अष्टमी तिथि का व्रत करने वाले हैं उन्हें अष्टमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए माता जगदम्बा का सुबह और विशेष प्रकार से शाम के समय में पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। नवरात्रि का जो प्रत्येक दिन व्रत करने वाले हैं और जो पहले दिन से ही व्रत करते आ रहे हैं, नौ दिनों तक जो व्रत करने वाले हैं वो तो पहले से ही माता की प्रतिमा को स्थापित करके रखते हैं और माता का नौ दिनों तक पूजन करते हैं। लेकिन जो अष्टमी तिथि को ही केवल व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर माता जगदम्बा का माता दुर्गा का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि के अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है तो माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, माता को शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक करें। महागौरी माता को सफेद वस्त्र अति प्रिय है तो सफेद वस्त्र माता को चढ़ाएं या माता जगदम्बा को आप लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर माता को अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। महाअष्टमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से माता का श्रृंगार किया जाता है और अनेक प्रकार के फल 56 प्रकार के भोग भी माता को अर्पित की जाती है। तो इस दिन माता को हल्दी चंदन कुमकुम माता महागौरी को अर्पित करें, महिलाएं माता महागौरी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता महागौरी को चंदन अर्पित करें। उसके बाद फिर माता को धूप दिखाएं, वहाँ पे एक दीपक जलाएं, माता को दीपक दिखाएं। उसके बाद फिर माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें।
इस दिन चाहे तो आप दूध से बने हुए मिठाई का माता को भोग लगा सकते हैं। अगर घर में बनाकर लगाते हैं माता को तो बड़ी अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं बना पाते हैं, अगर बाहर से लेकर के आप आते हैं तो गंगा जल छिड़क करके और फिर माता को भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के ऋतु फल केला माता को भोग लगानी चाहिए। माता को इस दिन नारियल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और फिर नारियल का जल माता को अर्पित किया जाता है। तो बहुत से जगहों पर अगर अष्टमी तिथि को नारियल फोड़ते होंगे तो अष्टमी तिथि को फोड़ेंगे, नहीं तो अगर नौमी तिथि को नारियल फोड़ते होंगे तो नौमी तिथि को भी आप फोड़ सकते हैं। माता को नारियल का जल अर्पित किया जाता है। जहाँ तक हो सके माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य 56 प्रकार के आप भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही माता को अनेक प्रकार के नैवेद्य पूरे पकवान आदि का माता को भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप हलवे का भी माता को भोग लगाएं। काले चने का इस दिन माता को भोग लगा सकते हैं। जहां तक हो सके माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर नैवेद्य के बाद जल से माता की आचमनी करानी चाहिए। उसके बाद माता को द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद माता को तांगी फल और तांबूल अर्पित करें लौंग इलायची के साथ। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र माता को अर्पित करें साथ में लौंग इलायची के साथ। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करें, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या इन सब का श्रवण करें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन ओम सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। माता महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। माता महागौरी को इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं और इनका वाहन भी वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इन्हें कहा जाता है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण माता ने कर रखा है और नीचे वाले हाथों में वर मुद्रा है। माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माता महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और फिर उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माता अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता महागौरी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी जातक व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का कार्य दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कन्या कुमारी का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।